लॉकडाउन को देखते हुए सोमवार को महेवा फल मंडी एवं सब्जी मंडी एसोसिएशन के महामंत्री फिरोज अहमद राइन की देखरेख में सब्जी की 24 मैजिक गाड़ियां शहर के विभिन्न वार्डों में रवाना हुई। इस मौके पर एसोसिएशन के महामंत्री फिरोज अहमद ने कहा कि सिटी मजिस्ट्रेट के निर्देशानुसार सब्जियों के आवक के हिसाब से व्यापारियों के साथ मिलकर बात करके सुबह 5 बजे ही मूल्य निर्धारित हो जाता है, जिसके हिसाब से सब्जी वार्डों में भेजी जाती है। सभी गाड़ियों पर सब्जियों का रेट चस्पा रहता है। अगर किसी भी नागरिक को कोई भी शिकायत है तो वो गाड़ियों पर अंकित मेरे नंबर या सिटी मजिस्ट्रेट के नंबर पर अपनी शिकायत कर सकते हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए महेवा फल मंडी एवं सब्जी मंडी एसोसिएशन के महामंत्री फिरोज अहमद राइन ने कहा, मेरा नाम फिरोज अहमद राइन, महामंत्री फल सब्जी विक्रेता एसोसिएशन गोरखपुर। मंडी से सब्जी की गाड़ियाँ 28 गाड़ियाँ गई है। ये गाड़ियाँ इस तरीके गई है, राप्ती नगर सहारा स्टेट, राप्ती नगर फेस्टो, पादरी बाज़ार, राम जानकी नगर, बौलिया कॉलोनी, पादरी बाज़ार, सिविल लाइन, जजेस कॉलोनी, TSC कैंप और भैरोपुर, नीना थापा, असुरन एचएन सिंह, अशोक नगर, हीरा पूरी कॉलोनी, बरगदवा, असुरन, गीडा, दिग्विजय नगर, गोरखनाथ, असुरन, कुसमही, सूबा बाज़ार, बसारतपुर, मियाँ बाज़ार, बक्सीपुर, मोहरीपुर, पीपीगंज, गीडा, मुगलाहा, तारामंडल, सिविल लाइन, ये सारी गाड़ियाँ 28 गाड़ियाँ गई है आज सब्जी की। सर, गाड़ियों के रेट कैसे निर्धारित होते हैं और अगर मान लीजिए कोई सब्जी लेता है तो वो कैसे रेट देकर लेगा? एक चयन कमेटी बनी हुई है सिटी मजिस्ट्रेट साहब के द्वारा और सचिव साहब के द्वारा, चयन कमेटी बनी मंडी समिति में। मंडी इंस्पेक्टर और हम लोग कमेटी के मेम्बर जाते, पूरा रेट लेते हैं सब्जी मंडी में एक एक जींस का। अब आलू मंडी में आने के बाद यहाँ पर तय होता है आवक के हिसाब से किसका रेट क्या है क्या नहीं है। थोक का रेट अलग लिखा जाता है और फुटकर जो बिकेगा अलग लिखा जाता है। रेट लिस्ट जारी हो जाती मंडी समिति की तरफ से, वही गाड़ियों पे चस्पा हो जाती है और सिटी मजिस्ट्रेट साहब द्वारा जो पास मिला वो चस्पा हो जाता है, उसी को लेके एरिया वाइज गाड़ियाँ निकल जाती है। अगर जो गाड़ियाँ जाती हैं कोई ज़्यादा रेट लेता है, इसके खिलाफ कैसे शिकायत दर्ज कराएगा? सिटी मजिस्ट्रेट साहब के पास इसके खिलाफ शिकायत दर्ज करा दीजिए आप लोग। और ऐसा तो अभी मेरे संज्ञान में नहीं आया है कोई गाड़ियाँ हमारी जा रही है वो रेट से ज़्यादा ले रहे, निर्धारित रेट से ज़्यादा रेट ले रहे, ऐसा हमारे संज्ञान में अभी नहीं आया है। अगर कोई लेता है इसको कैसे संपर्क करेगा? वो सिटी मजिस्ट्रेट महोदय साहब के मोबाइल नंबर पर संपर्क कर सकता है या हमसे बता दे।